Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. आज मैंने बाल धोए थे तो इयररिंग्स वगैरह भी उतार के रखी है, और सुबह से जैसे नहा कर आई सीधा पूजा वगैरह करने लगी तो मैंने मिरर भी नहीं देखा था कि इवन मेरी बिंदी भी नहीं लगी हुई है। और फिर काम करते करते 12:15 हो गया था तो फिर अपने लिए खाना बनाया, और खाने में मैंने बनाया सिर्फ मूंग की उसड़ या मूंग की सब्जी समझ लीजिए, क्योंकि पर्यूषण है तो मैं एक ही अनाज खाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि एक ही अनाज खाऊं, क्योंकि ज़्यादा नियम तप तपस्या तो कर नहीं पाते हैं हम लोग, तो जितना त्याग कर सकते हैं वही कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 31 अगस्त की और दिन है बुधवार का, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बापा आप सभी की सारी जायज़ इच्छाएं ज़रूर पूरी करें। और मुंबई में ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और राजनांदगांव जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे भी गणेश चतुर्थी जो है बहुत ही उत्साह से मनाई जाती है, और मतलब दूर दूर से लोग वहाँ का जो लास्ट डे होता है ना विसर्जन वाला दिन वो देखने ज़रूर आते हैं। तो ये तो हुई गणेश चतुर्थी की बात। और मेरे सारे जैन बंधुओं, जैन व्यूअर्स और फॉलोअर्स को 10 लक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 10 लक्षण धर्म का फर्स्ट धर्म का दिन है जो कि है उत्तम क्षमा का। जैन धर्म में हम वैसे तो ना 10 दिन का होता है पर्युषण, इसको 10 लक्षण पर्व भी बोलते हैं, तो ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद से शुरू होता है मेनली, पर कभी तिथि कम ज़्यादा होती है तो गणेश चतुर्थी के दिन से भी शुरू हो जाता है। तो आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं। इनकी मतलब ये हम सभी को फॉलो करना चाहिए और होते भी हैं, तो इसी से रिलेटेड हम पर्युषण मनाते हैं। तो पर्युषण में आप लोगों ने देखा ही कि मैंने आज क्या खाना खाया, और मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ, पर मुझे लगता है कि किचन में कुछ स्मेल आ रही है तो मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ और देख भी लेते हैं कि गैस वगैरह चालू तो नहीं है। नहीं, गैस चालू तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों स्मेल आ रही थी। तो एनीवेज, हम पर्युषण क्यों मनाते हैं अगर ये पूछा जाए तो मैं भी जब छोटी थी मैं पूछती थी कि पर्युषण क्यों मनाते हैं, पर उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि पर्युषण में हम करते क्या हैं। ये जो 10 दिन होते हैं, ये जैसे मुस्लिम लोगों में रमज़ान होते हैं तो 30 दिन जो होते हैं वो लोग सारी अपनी मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा तप करना, भगवान के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाप, और मतलब जो भी धर्म से रिलेटेड है तप, त्याग और पूजा पाठ ये सब होता है। तो सेम वैसे ही पर्युषण में भी हम लोग 10 दिन के लिए बहुत, वैसे तो भगवान के याद हमेशा ही करना चाहिए, पर ये 10 दिन विशेष अपनी पूजा अर्चना समर्पित करते हैं भगवान को, अपने इष्ट देव को। और इन 10 दिनों में त्याग तपस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है, और हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इस टाइम पर आप लोगों ने ज़्यादा से, जैसे आप साल भर तो उतना नियम धर्म नहीं कर पाते हैं ना, तो इन 10 दिनों में स्पेशली आपने नियम तपस्या करनी है, तो आपसे जितना हो सके। तो मैं काफ़ी सालों से ये फॉलो कर रही हूँ कि दिन में एक बार अनाज खाती हूँ और शाम के वक्त चाय, दूध और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, बस यही। तो 10 दिन तो मैं यही करती हूँ अब, और सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी शक्ति से, क्योंकि हमारा जो पूजा है उसमें भी बोलते हैं यथा शक्ति तप, मतलब जितनी आपकी शक्ति है उतनी आप तप कीजिए। तो बस उसी हिसाब से, जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं वो 2 टाइम खाना खा लेते हैं,
पर मेन इसमें यह है, वैसे तो जैन धर्म में हमेशा ही बोला गया है कि आपने कंदमूल नहीं खाना है, जमी कंद, जैसे जो भी चीज़ें ज़मीन के अंदर उगती है, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर हर कोई हर चीज़ 100% तो फॉलो नहीं करता, पर हाँ हम लोग ये ट्राई करते हैं कि इन 10 दिनों में जितना ज़्यादा धर्म के करीब कर सके काम वो करते हैं। तो इसमें हम, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब का तो त्याग है ही मेरा, और तो और ग्रीन वेजिटेबल्स भी हम नहीं खाते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं खा रहे हैं, मतलब आज तो फर्स्ट डे है तो 10 डेज हम नहीं खाएंगे ग्रीन वेजिटेबल्स भी। और रात्रि भोजन का भी त्याग होता है, वैसे तो सारे लोगों को करना चाहिए पर हम नहीं कर पाते, तो अभी मैं 6:15 तक जो भी अपना डे का लास्ट मील होगा वो ले लूँगी। और पर्यूषण मनाते क्यों हैं, ऐसा माना जाता है, मैं एक मिनट इसको स्टैंड पे रखती हूँ फिर बात करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि पर्यूषण के टाइम पर प्रकृति की शुरुआत हुई थी, लाइक सृजन हुआ था, तो उस टाइम वनस्पति ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। और तो और सावन में बहुत ज़्यादा पानी, वर्षा होती है, तो उस वजह से भी वनस्पतियों में कीड़े और जीव जंतु अधिकता हो जाती है इनकी, तो इन सारी वजहों से ग्रीन वेजिटेबल्स का त्याग किया जाता है। और मतलब मुझे इतना मालूम है, अगर आपको भी कुछ जानकारी हो इस बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी वजह से हम लोग पर्यूषण बनाते हैं, मतलब मेन इस, ये जो 10 दिन का समय होता है तो इस समय मतलब शुरुआत हुई थी धरती की, तो पहले जैसे वनस्पति या जो भी स्टोरी है वो सब उगती रहती है, तो इस वजह से विशेष हम लोग इस समय पर त्याग तपस्या करते हैं। तो ये हमारा मतलब उद्देश्य है पर्यूषण बनाने का। और मैं आज आप लोगों को अपना पूरा रूटीन दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब फैमिली 5K की हो जाए। और वीडियो एंड तक देखिएगा। सुबह से काम में लगी थी तो फिर उसके बाद बर्तन धोना मेरा रह गया था, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया था, उसके बाद मैं बर्तन धोने लगी थी। और यहाँ पे मेरा डिश वॉशिंग लिक्विड भी ख़त्म हो गया, तो जो एक्स्ट्रा रहता है वो मैंने निकाल लिया है, और वो जो बॉटल है ना वो मैंने उल्टी करके रख दी है ताकि जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड उसमें बाकी है वो पूरा आ जाएगा बाहर, तो फिर वो मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं कतरा कतरा यूज़ करती हूँ और पूरा मतलब ऐसे वेस्टेज करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और सही भी तरीका है ना, क्यों आपने थोड़ा सा बाकी है तो उसको फेंक देना है, तो बस इसीलिए। और बर्तन भी मैंने साबुन लगा लिया था, तो अब सिंक में साबुन लगा लूँगी और बर्तन धोना स्टार्ट करूँगी। मैं ना ऐसे जूठे और साफ़ बर्तन एक जगह ऐसे नहीं रखती, मतलब अजीब लगता है ना, कई लोगों को मैंने देखा है कि बस जहाँ पे झूठे बर्तन रखते वो सिंक धोते भी नहीं है और उसी में डालते जाते हैं साबुन लगे हुए बर्तन भी, तो मतलब मुझे वो ज़्यादा हाइजीनिक नहीं लगता। तो मेरा यही तरीका है बर्तन धोने का। और बस फिर कुकर में मैंने छोटे छोटे बर्तन डाल दिए थे तो उसमें से धोना आसान है, एक दो बार डुबाओ उसमें तो वो बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बस यही। और आज मेरे बर्तन भी थोड़े ज़्यादा हो गए थे, कई बार ऐसा हो जाता है ना, भले कम भी चीज़ बनाऊं लेकिन ध्यान नहीं रहता या अपन जल्दी में रहते हैं तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आज थोड़े बर्तन भी मेरे ज़्यादा हो गए थे। बट एनीवेज रोज़ तो कम ही रहते हैं बर्तन। तो अभी टाइम यहाँ पे हो गया, 4 बज गए हैं शाम के, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा देर लेट गई थी और लेटी मतलब टीवी देख रही थी लेटकर, तो लेटी तो फिर नींद लग गई, फिर मैंने उठी और फिर बर्तन वगैरह साफ़ किए, इसलिए लेट हो गई हूँ। तो अभी मैं गैस साफ़ करती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ, फिर मैं निर्वाण कांड का पाठ करूँगी। ऐसे इसके 10 अध्याय हैं, बोलते हैं तत्वार सूत्र भी बोलते हैं इसको, ऐसा कहा जाता है कि 10 पाठ एक दिन में एक बैठक में अगर आप कर लेते हैं तो एक उपवास का फल आपको मिलता है। उपवास तो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तत्वार सूत्र का ही पाठ किया जाए। तो बस मैं ये सब क्लीन करके
तत्वार सूत्र का पाठ करने जाती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ पाठ कर लीजिएगा। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो किचन का फ्लोर भी बहुत गीला हो जाता है। पता नहीं क्यों पानी गिरता ही है मुझसे फ्लोर पर। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा ना हो, पर अफसोस। तो बस प्लेटफॉर्म साफ कर लेती हूँ और फिर गैस भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस तो जब भी खाना बनाओ थोड़ा ना थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो बस वही सब। और ये कपड़े, ये वाला जो कपड़ा रहता है ना, ये अच्छा रहता है, इसे ज़्यादा गिल्ला नहीं होता कोई भी चीज़। बस इसके बाद मैं फिर निर्वाण कांड पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे निर्वाण कांड पूरा आता नहीं है पढ़ने। संस्कृत में है तो मैंने टीवी पे लगा लिया है, और बुक से जिनवाणी से मैं वो मिलाकर पढ़ूंगी, क्योंकि गलत पढ़ने से बेहतर है कि हेल्प ले ली जाए टीवी पर, या साथ में अगर आप मोबाइल पे चला लें तो आप पढ़ना भी सीख लेंगे और गलत भी नहीं पढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं लंच में क्या खाती हूँ, क्योंकि एक ही टाइम खा रही हूँ अभी, तो खाऊंगी मतलब 10 दिन परेशान में, और क्या मेरी दिनचर्या होती है। तो ये मैंने डे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। शाम का खाना मैं 6-6:30 बजे तक खा लूँगी, तो वो जो मेरा रूटीन होगा वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और शाम के वक्त भी हमारे कुछ टिपिकल पार्ट होते हैं, हम वही करते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को ज़रूर जानकारी दूंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और मेरा ये जैन धर्म से रिलेटेड व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मा सलामा।